नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। सड़क हादसों की संख्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका एक कारण जहां लापरवाही या सड़क नियमों का उल्लंघन हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका कारण सड़कों की खराब हालत और क्रैश बैरियर का ना होना भी हो सकता है। जिला कुल्लू के तहसील बंजार में भी कई ऐसी सड़कें हैं जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं। बंजार जौरी सड़क के लिए करीबन एक वर्ष पूर्व क्रैश बैरियर के लिए मंजूरी मिल गई है और इसके लिए पैसा भी आ चुका है, लेकिन अभी तक भी इस सड़क पर क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं। स्थानीय जनता ने प्रशासन से इसका जवाब मांगा है कि अभी तक भी इस कार्य को गति क्यों नहीं दी जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर। तो जो ये बंजार से जौरी का जो रोड है, इसमें जो फागुन से आगे जो रोड जब निकला हुआ है, तो इसकी जो है बीच में इतनी ऊंचाई है, खाई है बहुत ज़्यादा नीचे, जहाँ बिल्कुल भी पैर पट भी नहीं है बीच बीच में कई जगह, और वहाँ पर जो है क्रैश बैरियर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रोड पे जो है बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और जो है आगे भी हादसे की जो इसमें शंका रह सकती है कि कभी भी ऐसे हादसे यहाँ पर हो सकते हैं और बहुत दर्दनाक हादसे आज तक यहाँ पर हो चुके हैं। तो हमारी जो है प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ का जो क्रैश बैरियर का जो काम आ चुका है कुछ मीटर तक का जो होना है अभी, तो हमारी जो है हम संघर्ष मंच की तरफ से ये मांग करते कि ये काम जो जल्द से जल्द जो है किया जाए, क्योंकि ताकि कोई भी जो गाड़ियाँ जो यहाँ पर दुर्घटना जो ना हो उनके साथ। देखिए, मैं एक्सिडेंट से बार बार जो उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी उनको किया है, लेकिन मुझे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिला अभी तक। और मैंने उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैसेज बढ़िया से मैंने लिखा है कि मुझे आपके साथ काम है, कि आप मेरा कॉल पिक कीजिए, और मैं एक दो बार ऑफिस गया, शायद वो किसी कारण से किसी काम से बाहर गए होंगे, तो ना ऑफिस में ना मिलने के कारण और फ़ोन पर भी कोई बात नहीं हो पा रही है। मैं फ़ोन पे बात करना चाहता था ताकि यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकूं कि यहाँ का जो भी टेंडर हुए हैं, अगर हुए हैं तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है, अगर होने हैं तो आप उनको जल्द से जल्द कीजिए, यही हमारी मांग रहेगी, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सुचारू रूप से काम होगा। मेहता जी, ये सड़क जो है लगभग यहाँ से तीन पंचायतों से होकर के गुजरती है और तीन पंचायतों को बंजार के साथ जोड़ने वाली ये सड़क मार्ग है, बंजार जौरी सड़क मार्ग, क्या आपने यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों से कोई बात की इस बारे में? जी बिल्कुल, हमारी पंचायत प्रतिनिधियों से भी बात होती है कि आप जो है इस मांग को उठाइए, क्योंकि ये दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों का ही काम है। देखिए, तो इनको बिल्कुल इसमें पैन लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो है इन चीज़ों पर बात हुई है कि ये चीज़ होगी, ये काम होंगे, क्रैश बैरियर लगेंगे, लेकिन अभी तक कोई इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं जो है जनसंघर्ष मंच की तरफ से जो है इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है पिछले डेढ़ दो साल पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, दो नवयुवक जो है गाड़ी में जाके जो खाई में गिर गए थे और उनकी जो है डेथ हो गई थी। इस तरह के कोई भी आगे जो है दुर्घटना ना हो, इसलिए मैं पंचायत प्रतिनिधियों से ये वो करता हूँ कि मांग करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है इस पर कार्य जो है इस पर करें। आज हम पहुँचे हुए हैं जौरी बंजार सड़क मार्ग पर, जहाँ पर लगभग एक साल पहले से क्रैश बैरियर का काम के लिए पैसे सेंक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्रैश बैरियर का काम शुरू नहीं हो पाया है। इस बारे में विभाग से भी बात की गई, विभाग की तरफ से जब जानकारी मिली तो पैसा सेंक्शन हो चुका है, काम क्यों नहीं हो रहा, तो पंचायत प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। गाँव वासियों में भी काफ़ी रोष है, इसी तरह से गाँव के कुछ लोगों में भी रोष है, और उनका कहना है कि यदि यहाँ पर ये क्रैश बैरियर जल्द से जल्द नहीं लगते हैं तो वो धरना आदि प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हेमराज न्यूज़ प्लस के लिए हेमराज गौतम की रिपोर्ट।